अब सपोज करो कि 10:15 पे मैंने टेबल में कुछ डेटा एंटर किया, 10:20 पे फिर से कुछ डेटा आया और वो भी इंसर्ट हो गया, 10:21 पे मेरे पास कॉल आया कि जो 10:20 में जो डेटा एंटर हुआ है वो गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे? नहीं, अगर गलत डेटा एंटर हो गया तो उसको डिलीट कर देंगे, लेकिन सपोज करो कि 10:15 में 1000 रो इंसर्ट हुआ और 10:18 में हमसे कहा गया कि इसमें से 100 रोज है ना, वो पर्टिकुलर रोज नंबर दिया गया उसको डिलीट करना है, हमने डिलीट कर दिया। 10:20 में कॉल आया कि नहीं, जो डिलीट करना था ना वो गलत हो गया, फिर क्या करेंगे? नहीं, वो तो सेकेंडरी है। अब सपोज करो कि हमारे पास जो शेड्यूल लगा हुआ है बैकअप का, वो हर 2 घंटे पे है, तो 8 बजे बैकअप हुआ था, फिर 10 बजे हुआ, उसके बाद फिर 12 बजे होगा, तो 10:12, 10:18, 10:15 जो था वो तो निकल गया ना फिर। हाँ ठीक है, ये हमारे पास इसमें डेटा है। अब देखो क्या है कि टाइम नोट करना, नाइन फिफ्टीन है। सपोज करो हमने इसका बैकअप लिया अभी, कहाँ बैकअप है आपका? लो बैकअप लो इसको। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ले रहे हो, आपको देख रहे हैं। अब इसको रिस्टोर करो, जो डेटाबेस अभी बैकअप लिया। उसको रिस्टोर करना एम्प्लॉय वन के नाम से।
दिखाओ मुझे ईएमपी वन दिखाओ। हाँ का खोलो खोलो उसको। ये बैकअप कहाँ से आया? कहाँ है आपका बैकअप फाइल? कहाँ है दिखाना। लेकिन ये तो एमडीएफ है, आपने बैकअप तो ऊपर वाला लिया हुआ है, सबसे पहले वाला जो है। और वो जो है वो फाइल ना इनवैलिड है, चेक करते हैं ये। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, देखो हम यहाँ आए, एक डेटाबेस हम रिस्टोर करते हैं। जब भी डेटाबेस रिस्टोर करो डिवाइस से करो। डिवाइस में गए, ऐड किया, डी ड्राइव में है। अब डी ड्राइव में आपने जो बैकअप लिया यहाँ डॉट बी ए के है, आपके पास वहां एम्प्लॉय डेटाबेस और स्टडी डॉट बी ए के दो है। कहाँ कहाँ है एम्प्लॉय डेटाबेस स्टडी डॉट बी के? इसका तो नाम ही नहीं आ रहा, पता क्यों? क्योंकि इसका डॉट बी ए के एक्सटेंशन नहीं है। गलती कहाँ हुआ? जब आपने बैकअप लिया और बैकअप में जब आपने डिवाइस चूज किया और नीचे में नाम डाला तो वहां पे स्टडी बैकअप लिख दिया, बैकअप ऑफ ईएमपी लिखा, डॉट बी ए के नहीं लिखा। आपको पता है ये कितनी बड़ी गलती है? इसमें क्या होगा कि आपने बैकअप ले लिया, अपने तरफ से आप फुल प्रूफ हो गए कि हाँ मैंने बैकअप ले लिया, या फिर दूसरा डीबीए वो डेटाबेस डिलीट कर देगा। अब आपसे कहा जाएगा रिस्टोर करो, आप करोगे, ये इनवैलिड है, तो आपके पास डेटाबेस ही नहीं है। एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन होता है एक्सएलएस, एम एस वर्ड का एक्सटेंशन होता है डीओसी, पावर पॉइंट का पीपीटी, सबका एक्सटेंशन होता है एम एस एसक्यूएल का एसक्यूएल, वैसे ही बैकअप फाइल का डॉट बी ए के। अगर डॉट बी ए के नहीं है तो आपका ये जो आपने रिस्टोर किया आपने इसको ऐड किया और ये पहले से था, तो यहां क्या हो गया ना कि एक यहां भी और एक यहां भी दोनों जगह कॉपी बना। ये 9:18 एक आपका, ये 9:18। तो वहां पे डॉट बी ए के है, आपने जब रिस्टोर किया तो बाय डिफॉल्ट ये वाला एड्रेस ले गया, वो जो ये था इसका एड्रेस ले लिया और रिस्टोर वो यहां से हो गया। आपको पता नहीं चला? रिस्टोर तो ओके हो गया बट जिसको हमने बैकअप लिया वो वाला फाइल रिस्टोर नहीं हुआ।
चलो ये कहानी दूसरा है। अब देखो हम इसमें एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका रिकवरी मॉडल क्या है। रिकवरी मॉडल कितने होते हैं आपको पता है क्या? रह गया। देखो ये रिकवरी मॉडल है, एक फुल है, एक बल्क लॉक्ड है, एक सिंपल है। फुल रिकवरी मॉडल का मतलब होता है कि पॉइंट इन टाइम डेटा रिकवर होना, सेकंड का डेटा हम रिकवर कर सकते हैं, 1 सेकंड में क्या डेटा एंटर हुआ हम उसे भी रिकवर कर सकते हैं। इसमें जो डेटा जब बैकअप होगा तभी का ले सकते हैं, पॉइंट इन टाइम नहीं रिकवर होता। सिंपल है, इसको कोई लेना देना नहीं है इसमें, क्योंकि ट्रांजेक्शन लॉग हम बैकअप ही नहीं ले सकते। अब देखो हम इसके बैकअप लेते हैं। ये फुल है, हमने इसको ओके कर दिया। ये डेटा हमारा, इसको हमने हम इसे रिमूव करते हैं। सबसे पहला टास्क यहां से रिमूव कर दिया करो, जिससे ये होगा पता होगा कि हमारा डेटा कहाँ गया। ऐड करते हैं, ये हमारा डी, डी में आपका एसक्यूएल बैकअप। एसक्यूएल बैकअप में हम यहां पे emp1.bak, ये नहीं भूलना, ये हमने एंटर कर दिया। ये हमारा emp1.bak हो गया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी ये करो तो ये हमेशा यूज करो, जिससे बैकअप वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपने ये वाला क्लिक किया होता ना तो बैकअप में ही एरर आ जाता कि आपने गलती करी हुई है। दूसरा ये है, ये कंप्रेस करता है डेटा को, ये भी बताया था। अब हमने इसको बैकअप ले लिया, बैकअप हो गया। अब हम इसमें ना डेटा परफॉर्म कर देते हैं थोड़ा सा कुछ। टाइम देख लेना 9:29 है। अब सपोज करो कि मैं यहां से एडिट कर देता हूं, ये हमने इसमें डेटा एंटर कर दिया, टाइम है 30 हो गया। अभी अभी इसमें मेरे पास 2 रोज है। अब हमसे कहा गया, मैं इसमें एक और बैकअप लेता हूं। आप ये चीज ध्यान रखना कि वो हमने फुल बैकअप लिया था। अभी मैं इसका बैकअप, ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप। अब जब इसको हम देखेंगे ना तो हम BAK भी कर सकते हैं और LOG भी कर सकते हैं। हम BAK पे जाएंगे, अपेंड हो जाएगा, साथ में ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ये क्या होगा, उसी फाइल में ना ये ऐड कर देगा डेटा को। 31 हो रहा है, हमने बैकअप कर दिया, ये बैकअप हो गया। हमारे बैकअप में ये डेटा आ गया जो कि हमने दोनों इंटर किया था EMP1 में। लास्ट टाइम इसका 9:31 है जो कि अभी का है। इसमें मैंने फुल बैकअप भी लिया हुआ है और लॉग बैकअप भी है। अब मैं क्या करता हूं, इसको रिस्टोर करूंगा।
ये एम्प्लॉई वन है, डेटाबेस रिस्टोर हुआ। ये हमारा डेटाबेस, अब ये हमारा जो डेटा आया इसमें, इसमें देखो ट्रांजेक्शन लॉग भी है और फुल भी है, दोनों डेटाबेस का बैकअप इसमें आ गया। इसका टाइम भी है 28:57 है, 31:08 है। इसका हम डेटाबेस का नेम चेंज करते हैं, सपोज करो EMP 10। अब हमने क्या किया कि इसके ऑप्शन में जाएंगे, यहां अब देखो इसमें क्या है, बहुत सारे पार्ट, रिस्टोर विद रिकवरी, टेल लॉग बैकअप, हम इसको हटा देते हैं। अब इन सब में जितने भी ये आपके ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन काम के हैं, ये सारे ऑप्शन वर्क करेगा अब हम इसके फाइल को देख लेते हैं। ये हमारा फाइल ओके, वेरिफिकेशन करना है आप यहां से कर सकते हो, हमने वेरीफाई कर लिया सपोज करो कि हमारा डेटाबेस जो है वो वेरिफिकेशन ओके है, डन हो गया, इसने कह दिया कि हाँ मैं ठीक हूं। अब देखो इसमें रिस्टोर हो रहा है ये 9:31 का, इस टाइमलाइन में जाते हैं, हमने जो डेटा एंटर किया था वो 9:30 में किया था, ठीक है। इसका हम स्पेसिफिक टाइम लेते हैं जो कि इसको 9:29 कर देते हैं, इसको ओके किया। अब ये क्या करेगा कि जो पर्टिकुलर ये टाइम है उस टाइम का डेटा ये पिक करेगा, 9:29:08 में जो भी डेटा इसमें था इस डेटाबेस में, ये उसको पिक करेगा। रिस्टोर कर दिया, हाँ ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है एक्चुअली में क्या होता है, मैं वो बताता हूं अभी कि होता क्या है। इसको रिस्टोर पहले कर लेते हैं, ये फेल हो गया, क्यों हुआ, एम्प्लॉय 10 क्यों हुआ, अच्छा देखो ये फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रिस्टोर जो हो रहा है वो इसी नेम से हो रहा है, हमें इसको चेंज करना होगा।
क्योंकि दोनों सेम नेम का होगा तो वो नहीं एंटर होगा। हमने इसका नेम चेंज कर दिया। अब तैयारी कर लो, बहुत सारे टास्क आने वाले हैं ऐसे जो कि 90% ना ऊपर से निकलेगा। इसको हमने रिस्टोर किया, ये रिस्टोर हो गया। हाँ, नेम चेंज करा। अब इसके ना इस टेबल में ये टेबल प्रिंट, इसमें डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटा हमने 30 में एंटर किया था और 29 का हमने बैकअप उठाया, तो जो 30 में जो ऑपरेशन हुआ उसे इसने रिस्टोर नहीं किया। अब सपोज करो कि हमने 29 में डेटा डिलीट किया और फिर मैंने रिस्टोर किया उसको 28 में, तो डिलीटेड डेटा से तो मतलब नहीं, लेकिन जो पहले डेटा था वो आ जाएगा। ये हमारा डेटा, ये रोज और ये डिलीट, ये सेव, टाइम 9:38, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसमें गया, फुल बैकअप लेता हूं, इसी नेम पे अपेंड होगा, वेरीफाई होगा और कंप्रेस हो जाएगा, बैकअप हो गया एज इट इज। को मैं इसमें रिस्टोर करता हूं, ये हमारे पास डेटा आ गया, ये टाइमलाइन, अब इसको मैं 35 कर दूं। अगर इसको मैं 35 करूंगा तो इट मींस कि इस डेटा डिलीट करने से पहले का बैकअप आना चाहिए। इसके पहले के बैकअप में दो रोज हैं, है ना। इसमें आया, इसके फाइल को चेक किया, मिसिंग सीक्वेंस मिसिंग है। एम्प्लॉय डेटा बी ए के क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, गलत डेटा उठा लिया मैंने। ये चीज भी ध्यान रखना होगा कि आप कहीं गलती करें तो वो पकड़ में आना चाहिए कि गलती कहां से कर रहे हैं। अगर आपने वन टाइम में पकड़ लिया तो ठीक है, अगर गलती कर गए और गलती से वो रिस्टार हो गया तो फिर खराब हो जाएगा। देखो इसमें फाइल आ गए, मेरे में फाइल नहीं आ रहे थे। इसमें गया, स्पेसिफिक डेट टाइम लिखा, इसको 35 कर दिया, ओके 31 है, चलो कोई नहीं। यहां ये हमारे पास EMP1 था,
मुझे पता है आधा से ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, होगा खुद से करने पे ही आएगा। हाँ तो फेल हो गया। अब क्यों फेल हुआ? अच्छा टाइम ज्यादा लेके ना क्या? हाँ इसमें एरर है ना, ये एरर इसने बताया, इसने कहा कि ये एरर क्यों हुआ। इसने कहा सिस्टम डेटा एसक्यूएल क्लाइंट एक्सक्लूसिव एक्सेस कुड नॉट बी ऑब्टेन बिकॉज द डेटाबेस इज इन यूज। अब देखो इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें यहां जाऊंगा, ये डेटाबेस हमारा यूज में है, इसको मैं यहां से कट कर दूंगा, इसको भी कट कर दूंगा। मैंने क्या किया, सिर्फ नेम चेंज किया, चेंज नहीं किया, उसको मिटा के दोबारा लिख दिया, रिस्टोर हो गया। पहले इसने बताया था मेरे से, जब मैंने यहाँ क्लिक किया था उसने कहा कि डेटाबेस ना ओपन है, इस पे कहीं काम हो रहा है, तो आप पहले उसको बंद करो। तो यहां से जो दो सेशन थे उसे मैंने बंद कर दिया। अब मैं आता हूं इसके टेबल में, ये टेबल था और इसमें डेटा था, ये दो रोज हैं। इट मींस कि मैंने डिलीट कर दिया, एक रो डिलीट किया था, लेकिन जब बैकअप लिया तो हमारा वो दोनों रोज आ गया। तो जो मैंने सुबह मतलब पहले बात किया था कि जो डेटा डिलीट हो गया उसको रिकवर करना है, वो कैसे हुआ, तो ये रिकवर हो गया।